तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं यह गेम प्ले। अरे रे रे, थोड़ा संभाल के चलाते हैं, थोड़ा हिसाब से चलाना पड़ेगा। अरे भाई साहब, गड्ढे में घुस गया लग रहा है। और स्पीड बढ़ाते हैं लेकिन थोड़ा कंट्रोल के साथ। और गाड़ी ने ऐसा उछाल मारा कि जैसे कोई तवे पे बैठा हो। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। और थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा अनकंट्रोल लग रही है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डर को कंट्रोल करके। पहली चाबी मिल चुकी है, थोड़ा पीछे लेते हैं। लेकिन ये क्या, इसकी माँ बहुत क्यूट है, क्या हो गया। गाइस फिर से स्टार्ट करते हैं, तो फिर से यह स्टार्ट करते हैं। वही जुनून और जज्बे के, इस बार तो यह कंप्लीट करके ही रहूंगा, चाहे आंधी आए या तूफान। है ना मेरी जान, ऊबड़ खाबड़ की ऐसी की तैसी, बिल्कुल चलते हैं हीरो जैसी। ब्रेक मारते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर पीछे लेते हैं। और गाड़ी फिर से अनकंट्रोल होकर घुस गई है गधे की कान में। गाइस अब तो पार करके ही रहूंगा, क्योंकि जान जाए और प्राण न जाए। अबे ये मैंने कैसा बकवास से जोक्स मार दिया है। धूम धूम तेरी ऐसी की तैसी, धूम धूम तेरी बीवी कैसी, साले अब तो इस लेवल की माँ बहन कर दूंगा। दूसरी चाबी भी लेते हैं और अपनी बीवी को देते हैं ताकि वो अपनी रात की तैयारी कर सके। रात के काम की उत्सुकता के कारण अभी मेरी बैंड न बज जाए, थोड़ा संभाल चलाना पड़ेगा। गाड़ी कंट्रोल करते हैं, स्प्राइट पीते हैं और जीत जाते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। और इस गड्ढे वाली जगह को देखकर लग रहा है कि मेरी कान फटने वाली है। और गाइस फाइनली हमने तीसरी चाबी ले ली है, तो गाड़ी को फटाक से पीछे लेते हैं और चौथी चाबी लेते हुए इस लेवल को कंप्लीट करते हैं। चौथी चाबी लेने से पहले मुझे कुछ शायरी सुनानी पड़ेगी। ओ गुरु, जैसे लड़की और लड़के के बीच चलने वाली चीज को कहते हैं सीन, उसी प्रकार जीत को इंग्लिश में कहते हैं वीन। वाह वाह, क्या शायरी सुनाई है मैंने। गाइस अगला लेवल स्टार्ट करते हैं। यहाँ वे दो लकड़ी के गोले पे होकर गाड़ी चलाना है, जैसे अजय देवगन ने फूल और कांटे में दो कैसरी में पैर रख के स्टंट किया था, ठीक उसी प्रकार हम यह स्टंट पहरा करना है। और बीच में पूरा कीचड़ भरे पड़े हैं, ऐसा लग रहा पूरा बरसात यही हुआ है। फिर इसके भी पीछे के समान दो लड़की के गोले दिए हैं, ये तो ठीक वैसा हो गया जैसे एक कहावत, आगे पीछे एक बराबर। अभी ताली बजाते रहो सालों, ताली रुकनी नहीं चाहिए। हम तीसरे लेवल में जो पहुंच चुके हैं, तो अब हमें इस लड़की के प्लेट में गाड़ी चलानी है, लेकिन इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा, इतना भी आसान नहीं होने वाला ये। और जैसे ही कहा वैसे जी कान फाड़ दी सालों ने। अब तो यहाँ से उड़ी मारते हुए जाऊंगा, क्योंकि अब बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। और इस तरह से हमारा यह लेवल भी कम्प्लीट हुआ।